हेलो फ्रेंड्स, बहुचर्चित फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का ट्रेलर आ गया है, लेकिन आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे टॉयलेट एक प्रेम कथा की असली हीरोइन और असली कहानी की। उत्तर प्रदेश से असली कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत साल 2012 में उत्तर प्रदेश के गांव से हुई थी, जहां प्रियंका भारती नाम की लड़की ने वो काम किया था जिसे करने के लिए उससे पहले शायद ही किसी महिला ने सोचा होगा। प्रियंका जब ससुराल गई तो उन्हें पता चला कि उनके घर में टॉयलेट नहीं है। ससुराल में पहले ही दिन उनकी सास ने उन्हें कहा कि हम सब खुले में ही शौच करते हैं, उसे भी यही करना होगा। यह बात सुनते ही प्रियंका ने न केवल अपनी बल्कि अपने जैसी बाकी और बहुत सी महिलाओं की जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया था। प्रियंका मिसाल बन गई। 19 साल की दुल्हन प्रियंका से यह उम्मीद की गई थी कि गांव और परिवार के अन्य लोगों की तरह वो भी खुले में ही सोच जाएगी, लेकिन प्रियंका ने ऐसा नहीं किया और इसका विरोध किया। प्रियंका 2 दिन बाद अपने ससुराल से यह कहकर चली गई कि वो तब तक लौट कर नहीं आएगी जब तक कि उनके गांव में टॉयलेट नहीं बन जाता। देश विदेश में हुई चर्चा। अपने इस कदम से प्रियंका चर्चा में आ गई। देश विदेश में उनके इस कदम की चर्चा होने लगी। ये खबर सुलभ इंटरनेशनल तक पहुंची, जो स्वच्छता के लिए काम करने वाली भारत की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। जब उन्हें प्रियंका के बारे में पता चला तो उन्होंने प्रियंका के पति अमरजीत के घर में टॉयलेट बनवाने में उनकी मदद की। घर में टॉयलेट बनने के बाद प्रियंका के ससुर ने उन्हें इस बात की जानकारी दी और घर लौट आने को कहा। महाराजगंज में प्रियंका का बहुत धूमधाम से स्वागत किया गया। प्रियंका को सम्मानित किया गया। इस साहसिक काम के लिए प्रियंका को 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया। प्रियंका अभिनेत्री विद्या बालन के साथ एक विज्ञापन में भी नजर आई थी, जिसमें विद्या लोगों को प्रियंका के बारे में बात करते हुए उन्हें बताती है कि कैसे प्रियंका ने शादी के दूसरे ही दिन अपना ससुराल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके घर में टॉयलेट नहीं था। इसी प्रियंका की कहानी पर अब अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री भूमि की फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा आ रही है। दोस्तों, YR18 प्रियंका भारती के साहस को सलाम करता है। दोस्तों, हॉलीवुड, बॉलीवुड और देश विदेश की महान हस्तियों के बारे में जानकारी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।